अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी। पाहूया काही ठळक वृत्त। चित्रपट अभिनेता शाहरुख खान याचे संपूर्ण जगामध्ये लाखो चाहते आहेत, हे त्याच्या लोकप्रियतेने अनेक वेळा सिद्ध केले आहे। परंतु चाहत्यांकडून काही सामाजिक काम झालेले आहे असे आपण ऐकले नसेलच, परंतु शाहरुख खानच्या यासारखे युनिव्हर्सल फॅन क्लबने आपल्या भारत देशामध्ये गरीब गरजूंना मदत करून सामाजिक बांधिलकी जोपासली आहे। यासारखे युनिव्हर्सल फॅन क्लबचा संपूर्ण देशात 60 शाखा असून त्यांचे व्हॉट्सअप ग्रुप सुद्धा आहेत। जळगाव जिल्ह्यात सुद्धा यासारखे युनिव्हर्सल फॅन क्लबची शाखा कार्यरत असून अजहर सय्यद हे त्याचे ग्रुप ऍडमिन आहेत। जळगावच्या या यासारखे ग्रुपच्या 300 सदस्यांनी शहरातील कीर्ती मॉलमध्ये असलेल्या PVR मल्टिप्लेक्स थिएटरमध्ये शाहरुख खानचा नुकताच प्रदर्शित झालेला 0 हा सिनेमा पहिल्या शोला एकत्र येऊन बघितला। विशेष म्हणजे सकाळी 8:30 वाजता कडाक्याच्या थंडीमध्ये सुद्धा शाहरुख खानचे हे सर्व 300 चाहते 0 हा चित्रपट बघण्यासाठी आले होते। या ठिकाणी त्यांनी चित्रपट सुरू होण्यापूर्वी केक कापून चित्रपटाचा आनंद घेतला। We love you Shahrukh, we love you Shahrukh, we love 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 Shahrukh। अभी अंदर सेव करके रखो, इशक बाद से जो भी लेने वाला है। एसआरके युनिवर्स पूर्ण भारतात आणि पूर्ण देशात आपली ब्रांचेस ठेवते। अलग अलग सिटीमध्ये त्यांची कम से कम हिंदी में बात करता हूँ मैं। कम से कम अगर हम देखेंगे तो एसआरके युनिवर्स की इंडिया में 60 ब्रांचेस है। कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, पुणे, मुंबई, जितनी भी मेट्रो सिटीज़ है, जितने भी महानगर है, सब तरफ है। और सब तरफ शाहरुख खान की मूवी जब भी रिलीज़ होती है तब 300-400 फैंस, एक स्क्रीन नहीं, 10 स्क्रीन 20 स्क्रीन, जितने फैंस आ सकते हैं उतने फैंस बिफोर रिलीजिंग एडवांस बुकिंग में सब बुकिंग हो जाती है। और जब भी ये मूवी आती है तब इनकी जितनी भी एक फेस्टिवल की तरह उसे इंजॉय करते हैं। और जितना भी इनका क्रेज़ है, जितना भी भगवान मानते हैं नए, सब लोग अपने हिसाब से जिसे जो पूरा कमिटमेंट या फिर जिसको पूरा जितना भी सेलिब्रेशन आता है करना है अपने हिसाब से, कोई टर्म्स कंडीशन नहीं, कुछ नहीं, बस आओ इंजॉय करो। हम लोग हज़ारों की तादाद में, हज़ारों करोड़ों की तादाद में टी शर्ट छापते हैं। और जब भी शाहरुख की मूवी आती है, जैसे कि अभी 0 आई है, तो एक थीम रखते हैं। 0 में अगर हम शाहरुख को देखेंगे तो वो है बिहार के, बिहार में गमछा ये सब फेमस है, तो हम टी शर्ट बनाते हैं, गमछा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और ये सब कुछ हद तक फ्री ऑफ कॉस्ट भी होता है, लेकिन जो अपने खुद से कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं उसके हिसाब से हम जमा करके पूरा इनका जितना भी मैटर है सब करते हैं, इसकी पूरी प्लानिंग करते हैं। और जो भी हो सके हमसे अवेयरनेस के लिए वो करते हैं। और एक बात, हम सिर्फ मूवी नहीं देखते हैं, हम चैरिटी करते हैं, हम गरीब लोगों को खाना खिलाते हैं, हम वृद्ध आश्रम जाते हैं। वृद्ध आश्रम में जाने के बाद हम उनसे पूछते हैं कि आपकी नीड्स क्या है। लास्ट ईयर मई में हुआ था शायद, उन लोग को हमने पूछा वृद्ध आश्रम में कि आपकी नीड्स क्या है, तो वो लोग के पास कूलर नहीं था, तो हमने उन्हें कूलर प्रोवाइड किया। अब ये पैसा आया कहाँ से, तो हम लोग ने ग्रुप है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, जिसके थ्रू ये पूरा काम चलता है, जिसके अंदर कम से कम जलगांव के 350 फैंस है, और हम सब लोग ग्रुप में एक साथ मिलकर ये पूरा काम करते हैं। जिसे जितना डोनेशन देना है उतना डोनेशन कलेक्ट करते हैं, चैरिटी करते हैं, और इसे एज अ फेस्टिवल, एज अ फ्रेशनेस, माइंड फ्रेश करने के लिए और सभी अवेयरनेस के लिए इसका हम यूज़ अच्छे से करते हैं। और जो है हमारे साथ बच्चे भी हैं, अगर हम इसकी बात करेंगे तो बच्चे से लेकर बूढ़े तक, विष्णु भाई भी हैं अंदर गए, वो इज़ अबाउ 40 आई थिंक, तो ऐसा कुछ नहीं, ना एज डिफरेंस है ना कुछ है, एक फ्रीली इन्वायरमेंट, आओ इन्जॉय करो। और हाँ, फैमिली के साथ जसवंत। ये ब्रांच कब से चल रही है, कितने सालों से? ये ब्रांच जलगांव में 3 साल से चल रही है, 2015 से शुरू किए थे, और एसआरके यूनिवर्स 2012 से काम में है। और एक बात बता दूँ, ये सब काम शाहरुख खान देखते हैं और मीट एंड ग्रीट करते हैं,
हम जलगांव के लास्ट ईयर 10 लोग शाहरुख खान से मिलकर आ चुके हैं और हर बार बर्थडे पर शाहरुख हर सिटी को, हर 60 सिटी को और फॉरेन की 40 सिटी को पासेस देते हैं उनसे मिलने के लिए, कि जो फैंस मेरे इतने मेरे लिए काम कर रहे हैं, इतना सब अवेयरनेस कर रहे हैं, ये लोग हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो हम 10 लोग मिल चुके हैं शाहरुख से 3 बार 4 बार, और ऐसा नहीं है कि रिपीट या फिर सिर्फ पार्शलिटी हो रही है। शाहरुख खान के जो मेम्बर है, जो लोग हैं, टीम मेम्बर है, सबकी नज़र होती है। अभी इसके बाद हम फोटो निकालेंगे, बैनर निकालेंगे, वो बात अलग है कि PVR वाले हमें कुछ चीज़ें अलाउड नहीं कर रहे यहाँ पर। पब्लिसिटी स्टंट बता रहे हैं, लेकिन मैं PVR को बता दूं कि पब्लिसिटी स्टंट नहीं है। अभी तक हम आइनॉक्स में करते थे, वो बात अलग है, ठीक है, देखेंगे हम वो बाद में क्या है। तो बट हम लोग का कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ पार्शलिटी का चाहिए, कुछ एक फ्रेंडली माहौल है, सब अलाउ करना चाहिए, ठीक है, वो बात की बात है। लेकिन एक बात है कि बस आओ इंजॉय करो, और 0 रिलीज़ हो रही है तो ऑल द बेस्ट शाहरुख खान को हमारे तरफ से। मैसेज है कि हम में कुछ ना कुछ कमी तो है, हर किसी में, नो वन इज़ परफेक्ट, बट उस कमी को कैसे पूरा करके पूरी दुनिया को बताया जाए कि कौन सी चीज़ को कब कैसे यूज़ करना है, हैंडल करना है, सब चीज़ें जितनी भी है। और शाहरुख खान की जितनी फिल्में एडल्टहुड में आने के बाद या बचपन से जितनी फिल्में हो सकती थी, सब फिल्में मूवी में तो थिएटर में देखी है। लेकिन 300 लोगों के साथ फर्स्ट डे फर्स्ट शो फैन से शुरू है, फ़ैन हुआ, उसके बाद डियर जिंदगी, रईस के टाइम 300 लोग थे, 300 के 300 लोग पठानी में थे, और हैरी मेट सेजल देखा हमने, और अभी 0। इंशाल्लाह अगली पिक्चर है शाहरुख खान की जो राकेश शर्मा बायोपिक है, सारे जहाँ से अच्छा, जो शायद 2020 या 2020 में आएगी, 2021 में आएगी इंशाल्लाह, तब 500 लेके जाएंगे, और इंशाल्लाह वहाँ पे हम वो थिएटर बुक करेंगे जो हमें सपोर्ट करे, वो थिएटर इंशाल्लाह बुक नहीं करेंगे जो हमें बैनर अलाउड नहीं कर रही है, ये अलाउड नहीं कर रही, वो अलाउड नहीं कर रही, इंशाल्लाह वहाँ पर आपको और अच्छे से और अच्छी तरीके से, सॉरी मीडिया पर्सन को, PVR ने अंदर नहीं आने दिया, उसके लिए मैं मीडिया पर्सन से सॉरी बोलता हूँ, दिल से सॉरी करता हूँ, कहता हूँ मैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको पूरी तरीके से सपोर्टिव पूरा इन्वायरमेंट आपको मिलेगा। पुन्हा भेटू, तोपर्यंत पाहत रहा JBN महाराष्ट्र न्यूज, नमस्कार।